दो बच्चे 19 फरवरी में हैच हुए थे, फिर 21 में, फिर 23 में। हेलो एवरीवन, सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लवबर्ड चैनल। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे लवबर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो कि अब लास्ट क्लच चल रहा है। लास्ट क्लच में अब कुछ के एग भी हैं, कुछ के चिक्स भी हैं, वो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि कितने चिक्स निकले हैं कुछ और कुछ के एग भी हैं। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कि अब लवबर्ड की कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले कॉलोनी के अंदर देखते हैं, कॉलोनी के अंदर लवबर्ड की प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो पहले बॉक्स की तरफ हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला बॉक्स है, ये हमारा रोजी ऑफलाइन, ये हमारा बॉक्स है रोजी ऑफलाइन का मेल, रोजी ऑफलाइन की फीमेल। तो माशाल्लाह इसमें दो बच्चे दिखाई देते हैं और तीन अंडे अभी बाकी हैं। तो तीन अंडों में से अभी नंबर मैंने लिख दिए थे कि कितने नंबर के आए हैं, तो दो बच्चे आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब दोस्तों ये वाला दूसरा बॉक्स चेक करते हैं, इसके अंदर अंडे हैं और मुझे लगता है कि एक दो ही अंडे सही हैं, बाकी अंडे ख़राब हैं। तो ये लुटिनो पीसेस का पेयर है, आप देख लें दूसरा बॉक्स। तो इसके अंदर लुटिनो पीसेस की फीमेल है, रोजी ऑफलाइन का मेल है। तो ये हम चेक कर लेते हैं, ज़बरदस्त लुटिनो पीसेस की फीमेल है। और दोस्तों इसके अंदर जो है तीन बच्चे आ चुके हैं। अब हमारा ये वाला तीसरा बॉक्स चेक करते हैं, चौथा बॉक्स दोस्तों ये वाला है लुटिनो पीसेस का। लुटिनो पीसेस के में क्या है, चलिए देख लेते हैं अभी। तो मुझे अभी एक अंडा दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही अंडा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और वो भी मुझे लगता है कि इनफर्टाइल है। अब वो देखते हैं पांचवें बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों ये देखेंगे माशाल्लाह से इसके अंदर बच्चे हैं और मुझे चार पांच बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और एक बच्चा देख सकते हैं दोस्तों, ये रिंग वाला है जो मैंने इसके अंदर फोस्टर कर दिया था, और ये डायलूट का बच्चा है, ये मैंने रोजी के नीचे फोस्टर कर दिया था अंडा। और माशाल्लाह दोस्तों देख सकते हैं कि ये बच्चा भी सरवाइव कर गया। तो देखते हैं छठे बॉक्स की तरफ, ये लुटिनो प्लान की फीमेल है और पाइड का मेल है, रोजी पाइड का मेल है। तो ज़बरदस्त इसके अंदर भी दोस्तों बच्चे निकल चुके हैं, एक दो तीन चार बच्चे हैं, और चार बच्चे हैं इसमें भी। मैंने ये देख सकते हैं, ये भी डायलूट का बच्चा है, इसके अंदर मैंने फोस्टर किया था, तो ये भी बच्चा निकल चुका है डायलूट का। अब देखते हैं सातवें बॉक्स की तरफ, रोजी ऑफलाइन की फीमेल है और रोजी पाइट का मेल है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी माशाल्लाह माशाल्लाह से इसके अंदर भी तीन बच्चे हैं, और तीन बच्चे काफ़ी हेल्दी हैं, अच्छे हैं। तीनों बच्चे ब्लैक आई हैं। देखते हैं दोस्तों आठवें बॉक्स की तरफ, रोजी ऑफलाइन की फीमेल है, इसको देख लेते हैं। इसने तीन अंडे दिए हैं, तीन अंडे रखे हैं इसके। और लास्ट बॉक्स की तरफ जो डायलूट का पेयर है, एक बच्चा ये देख सकते हैं, ये मैंने फोस्टर किया था, वायलेट मास का बच्चा, तो डायलूट के नीचे फोस्टर किया था ये। तो ज़बरदस्त ये देखेंगे वायलेट, तो ये पहले बच्चा मैंने फोस्टर किया था, और ये तो चलिए फ़ायदा हुआ, ये वायलेट का बच्चा निकल आया। और उसका एक अंडा बाकी था, क्योंकि एक अंडा उसने काफ़ी अंडे इसके ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसके अंडे भी कुछ फोस्टर किए थे, तो इसके एक मैंने डायलूट के नीचे रख दिया था। तो चलिए एक अंडा तो बच गया, बच्चा काफ़ी अच्छा निकला है, ये मास्क में है, और ये देख सकते हैं आप वायलेट मास्क।
इसको अब दोबारा रख देते हैं बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये हमने कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखा दी है, अब चलते हैं सेपरेट केज की तरफ। हमारा ये और कोबाल्ट फिशरी की फीमेल है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं बॉक्स को। फीमेल अभी निकल कर भागी है। तो ज़बरदस्त दोस्तों, माशाल्लाह इसके अंदर दो बच्चे हैं और एक अंडा अभी हैच होने वाला है, तो ये भी अच्छा है। तो चलिए दो बच्चे आ चुके हैं और देखते हैं क्या निकलता है, फार ब्लू या वॉलेट फिशरी या एक्वा। तो दोस्तों ये वाला बॉक्स चेक करते हैं। हमारा ये वाला जो पेयर है काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छा पेयर है, ये हमारा कोबाल्ट मास। तो ये देख सकते हैं इसने तीसरे क्लच में क्या दिया है, वही माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसने देखिए तीन कलर के निकाले हैं बच्चे, तीनों कलर देखिए, ब्लू मास्क, ब्लू मास्क और आपके मऊ मास्क के दो चिके और एक कोबाल्ट मास्क। ये लास्ट में देखेंगे आप, एक बच्चा तो ऊपर चढ़ गया। तो काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं लेकिन थोड़ी सी प्लकिंग करता है ये। तो ये मऊ मास्क के दो हैं और एक कोबाल्ट और एक ब्लू। इन बच्चों की एज भी लिखी है दोस्तों, एज ये लिखी है सबसे पहले बच्चे की 19 फरवरी है, और दो बच्चे 19 फरवरी में आए हुए थे, फिर 21 में, फिर 23 में। अब देखते हैं नीचे ये वाला जो पेयर है, ये ग्रीन फिशर का है, तो इसके अभी तीन अंडे हैं। मुझे तो ये अंडे इनफर्टाइल हैं, इन अंडों को मैं हटा दूँगा। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, सामने चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं अपना ये वाला वॉलेट मास्क का और कोबाल्ट मास्क का बॉक्स। तो बॉक्स चेक करते हैं दोस्तों, तो ज़बरदस्त इसके अंदर जो है पांच अंडे हैं, और अंडे अभी मैंने चेक नहीं किए हैं कौन से फर्टाइल हैं कौन से अनफर्टाइल हैं। तो चलिए अभी पांच अंडे हैं, अभी कुछ शायद निकलने भी वाले हैं इसमें, तो इसको रख देते हैं अभी। और यह है दोस्तों हमारा, ये हमारे मऊ फिशरी की फीमेल है और एक्वा पारब्लू का मेल है। तो देखिए दोस्तों ज़बरदस्त, और बॉक्स खोल के देखते हैं कितने अंडे हैं, एक दो तीन चार पांच अंडे इसके अंदर। चलिए बहुत अच्छा, पांच अंडे इसके अंदर, अभी देखते हैं चिक्स वगैरह निकलने वाले हों, तो काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। अभी चिक्स निकलेंगे, अभी अंडे हैं किसी में अंडे हैं किसी में चिक्स हैं, तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि कूलर मुझे अभी लगाना होगा, टेम्परेचर मुझे अभी ठीक करके रखना होगा, क्योंकि अभी जब जिस के चिक्स निकलते जाएंगे उनको मैं बॉक्स हटाता जाऊंगा, वो भी किस तरीके से उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर पेयर खाली होता है तो उसको कैसे बॉक्स हटाते हैं, कैसे उसको खाली करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं ब्रीडिंग से। तो दोस्तों यही, अब ये थी दोस्तों आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।